तो भाई लोग आज अपन खेलने वाले हैं फिर से GTA वाइस सिटी। तो दोस्तों पिछली बार सनी ने भाई हमारी बिजनेस को हड़पना चाहा और भाई उससे पैसा कमाना चाहा, और भाई इन सब के पीछे सनी का ही हाथ है भाई। तो चलिए गाइज, और पिछली बार गाइज लांस का फ़ोन भी आया था कि भाई तुम जल्दी से अपने विला में आ जाओ भाई, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो हम हमारी ये शोरूम वाली गाड़ी लेके जाते हैं हमारी विला में और देखते हैं भाई क्या बकेड़ा खड़ा हुआ है। तो यहाँ से भाई आज तो भाई गाइस सनी को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि गाइस आज सनी का है आखिरी दिन, फाइनल दिन है गाइस आज सनी का, अंतिम दिन समझ लो। तो यहाँ से भगाता हूँ गाड़ी, क्योंकि गाइस मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है भाई। उसने भाई ना फ़ोन किया ना कुछ, और भाई सीधा अपने पैसे ले जाने के लिए, मतलब भाई साहब उसके गाइस 3 करोड़ हमें देने हैं गाइस। इसलिए गाइस वो सीधे रास्ते से ना जाते हुए भाई साहब उसने सीधा हमारे बिजनेस पर ही हमला किया, हमारे बिजनेस को हड़पना चाहा भाई। तो चलते हैं गाइस गाड़ी को भगाते हुए जल्दी से हमारी विला में, क्योंकि गाइस वो सनी शायद से हमारी विला में आ रहा है भाई, ऐसा मुझे लग रहा है। तो भाई यहाँ से भगा नहीं होगी अब हमें गाड़ी, तो यहाँ से पास में गाइस हमारा विला, तो चलते हैं विला में भाई। दिक्कत कहाँ पर आ रही है? तो भाई ये सनी को तो मैं आज छोड़ने वाला नहीं, आज सनी का भाई लास्ट डे है। तो यहाँ से मोड़ते हैं हम हमारी गाड़ी को, और भाई पुलिस को उड़ाना नहीं है वरना तो 2 स्टार की पुलिस भी हमारे पीछे लगेगी। तो यहाँ से उतरते हैं हम हमारी गाड़ी में और चलते हैं भाई विला के अंदर। तो यहाँ से भाई साहब यहाँ से पैसे भी थोड़े से कलेक्ट कर लेते हैं, दिक्कत कहाँ पे आ रही। तो चलते हैं गाइज अब हम हमारे विला के अंदर और देखते हैं, लान से बातचीत करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज। तो यहाँ तो टॉमी कह रहा है क्या चल रहा है? तो टॉमी केंट कह रहा है भाई तुम अच्छे हो यार। तो ये कह रहा है भाई मुझे मछली पसंद है, मैं मछली को खाता हूँ और हम मछली से बहुत पाया करते हैं, हमारे जानवरों से प्यार करते हैं, मगर तुम्हारे जो इटालियन दोस्त है वो वहाँ से यहाँ मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तो टॉमी कह रहा है शट अप कैन, सिट डाउन, यहाँ पे चुपचाप बैठो। तो टॉमी कह रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे लांस? तो लांस कह रहा है भाई तुम्हारे जो दोस्त हैं वो भाई साहब हमें मारने के लिए आ रहे हैं, अपना बिजनेस हड़पने के लिए आ रहे हैं। तो टॉमी कह रहा है आज भाई फाइनल कर ही देते हैं, बहुत देर हो चुकी है। तो टॉमी कह रहा है केन को तुम भाई एक ब्रीफ केस ले आओ और उसमें नकली 3 करोड़ रुपए डाल दो, और लांस को कह दिया है कि भाई आदमी को इकट्ठा करो। तो चलिए मिलते हैं सनी से, बातचीत करते हैं उससे और देखते हैं क्या हो रहा है। तो भाई साहब हम और टॉमी यहाँ, सनी यहाँ पर ही आ गया है भाई। तो सनी कह रहा है टॉमी गले नहीं मिलोगे? तो टॉमी कह रहा हूँ मैं 15 साल दोस्ती से दूर हूँ। तो भाई साहब बातचीत तो चल रही है, और भाई और ये क्या था 10 नहीं 11, मैं इतना भी भाई भिखारी नहीं हूँ भाई। तो टॉमी कह रहा है तुमने मुझे एक आदमी मारने के लिए भेजा था और वो जानता है कि मैं आ चुका हूँ, और तो ये कह रहा है तुम मुझ पे ही क्यों इल्ज़ाम कर रहे हो इन दुर्भाग्य गुण स्थिति में? तो तुम्हें बिजनेस का भाई मालूम नहीं है, कह रहा है ये। सुनते हैं इनकी बातें, बिजनेस आता भी नहीं है तुम्हें, और भाई बिजनेस कैसे किया जाता है अब मैं तुम्हें बताऊंगा, है ना लांस? कह रहा है ऐसे, और भाई सॉरी लांस कह रहा है भाई सॉरी टॉमी, ये GTA Vice City है, यही बिजनेस है। टॉमी कह रहा है तुमने हमें बेच दिया। लांस नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें बेचा है, सिर्फ तुम्हें, वहाँ पे ऑफिस सेफ में पैसे हैं वो ले लो। तो भाई यहाँ पे देखते हैं और भी बातचीत चल रही है भाई यहाँ पे। तो ये टॉमी कह रहा है मैं आज तुम्हारे मुंह पे काली पोतूंगा, तुम्हें मार दूंगा। तो भाई बाहर भर भर के बंदे आ चुके हैं हमें मारने के लिए, और भाई लांस किधर छुपा बैठा है गाइज मुझे नहीं पता। तो गाइज लांस जो है वो बड़ा ही खुदगर्ज इंसान निकला है। तो गाइज मैं बाहर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि गाइज बाहर मौत है गाइज, बाहर बहुत ही इंसान है गाइज हमें मारने के लिए अनलिमिटेड समझ लो। तो पहले जो घर में आते हैं बंदे उसे मारेंगे, फिर लांस को ढूंढेंगे उसे मारेंगे, और बाद में गाइज हमारा टारगेट होने वाला है इनका मेन बॉस सनी। तो गाइज सनी ब्रेली एक बहुत ही बड़ा कमीना निकला भाई, उसके वजह से भाई टॉमी की ज़िंदगी जो है वो भाई ख़राब हो गई। तो ढूंढते हैं सनी को और बदल लेते हैं गन को, ताकि गाइज हम जल्दी से मार पाए सब्जों को। तो अभी तक तो गाइज बंदे आ नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो देखते हैं गाइज बंदे क्यों नहीं आ रहे, और बाहर नहीं जाना है गाइज हमें, अगर हम बाहर गए तो गाइज हम मर जाएंगे गाइज। तो
एक भाई कोई तो दिखा था मुझे यहाँ पे, तो एक आ चुका है गाइस बंदा अंदर की तरफ, तो मैंने गाइस उसे तो मार दिया है भाई, तो उधर से भी आ रहा है तो उसे भी मार देते हैं गाइस, और निशाना लगा के मारना होता है गाइस ताकि भाई मैं सबको मार पाऊँ। तो यहाँ पे गाइस बंदे तो हैं भाई, बहुत हैं बंदे, और भाई उधर लास्ट खड़ा है, नो वन कवर टू एज यू, ऐसे टॉमी को कह रहा है भाई तुम्हें आज कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे भाई, लांस वांस को तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं भाई सब, क्योंकि गाइस लांस जो है वो बहुत ही बड़ा कमीना निकला है। तो भाई वो भाग गया, तो सबसे पहले गाइस हमें आर्मर पहन लेना है ताकि गाइस हम जो है लांस को मार पाए भाई। आर्मर तो है गाइस मगर उसकी जो हेल्थ है गाइस वो भाई सिर्फ 65% ही रह चुके हैं, जो कि हमारे भाई अभी तो बहुत ही कम है गाइस। तो पहले आर्मर के लिए नीचे चले जाते हैं गाइस ताकि हम सबको गाइस मार पाए। और गाइस अब तो मैं अपनी कालाश निकाव निकालने वाला हूँ जो कि भाई साहब मेरे बैग में है, तो कालाश निकाव को निकालते हैं बाहर, उसका हमें बहुत ही इस्तेमाल होने वाला। और तेरी बेस की तू हट, और गाइस उसने फिर से हमारा आर्मर जो है वो कम कर दिया है। और भाई साहब आर्मर अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा गाइस मुझे नहीं पता, तो चलते हैं ऊपर की तरफ में लांस को मारने के लिए, क्योंकि गाइस लांस जा चुका है भाई टेरिस पर जा चुका है, छत पे जा चुका है सॉरी गाइस। तो उसे मारते हैं भाई, और सामने जो बंदा था मैंने उसे भी डाउन किया हुआ है, तो ढूंढते हैं भाई साहब सनी को और लांस को गाइस उसे मारने के लिए। तो जाते हैं ऊपर की तरफ में, तो यहाँ पे भी एक बंदा है गाइस उसे भी मार देते हैं गाइस, दिक्कत कहाँ पे आ रही। तो ऐसे बहुत सारे बंदे आज हमें मिलने वाले हैं गाइस, तो उन्हें मारना है गाइस और हमारी पावर दिखा देनी है लांस को भी। और भाई ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये भाई आर्मर की हेल्थ खाए जा रहा है यार, तो इसने आधी तो हेल्थ खा ली भाई। तो भाई साहब अब भाई साहब सिर्फ 96% हमारी हेल्थ जो है वो बच चुकी है, तो बस देखते हैं लांस कैसे मर पाएगा भाई साहब। तो यहाँ पे अभी तक तो लांस नहीं मारा गाइस, तो लांस को मारेंगे भाई, दिक्कत कहाँ पे आ रही। तो यहाँ पे एक हेल्थ भी दी गई है गाइस हमें, जो कि हमारे लिए गाइस बहुत ही अच्छा होने वाला है गाइस। तो यहाँ पे जो इंसान है गाइस उन्हें भी पहले मार देते हैं गाइस, और जो हमारी कालाश निकाल गाइस उसे हम हाथ में ही रखेंगे, क्योंकि गाइस हमें इस्तेमाल आने वाली है हमारी कालाश निकाल। तो चलते हैं गाइस हम हमारे पैसे बचाने के लिए हमारे सेफ के पास, तो यहाँ पे भी कोई भी बंदा नहीं है गाइस। तो सनी तो अब तक तुम गाइस मुझे नहीं मिल पाया है, तो सनी को ढूंढते हैं गाइस, दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो भाई साहब दौड़ के ऊपर के चले जाएंगे ताकि हम सबको मार पाए। तो जो हेल्थ है ना गाइस वो मेरी बहुत ही कम रह चुकी है, और गाइस यहाँ पे जो बंदे ना गाइस वो खड़े हो चुके हैं गाइस, तो उनको मारता हूँ भाई साहब। तो यहाँ पे तो गाइस सनी आ चुका है वो भाई साहब, अब हमें पीछे हटना होगा गाइस, और गन जो है वो बदल लेनी चाहिए। तो भाई साहब यहाँ से सनी तो भाई आ रहा है गाइस, और सनी पे तो मैंने निशाना लगा दिया है गाइस, तो देखते हैं इन्हें मार पाते हैं नहीं। तो भाई साहब नीचे मैं जाता हूँ पीछे, और भाई साहब जो हमारी गन है कालाश निकाल उसे निकालता हूँ गाइस, और मारता हूँ भाई सनी को जो कि गाइस आगे की तरफ खड़ा हुआ है हमें मारने के लिए। तो गाइस मैंने सबको तो मार दिया, और सनी को भी मार दिया है शायद से मैंने, गाइस सनी को भी मार दिया है मैंने। और भाई साहब यहाँ पे टॉमी हमारा बैठा हुआ है निराश, और जो हमारा केंट है गाइस वो हमें मिल नहीं पाया, शायद से वो भी मर चुका है गाइस। तो भाई केंट यहाँ पे छुप छुप के जा रहा था, और भाई केंट ने देख लिया हमें, और टॉमी टॉमी यू व्हाट हैपेंड कह रहा है भाई, ये कह रहा क्या हुआ, और भाई तुम्हारा ये कह रहा है भाई तुम्हारा सूट जो है भाई बहुत ही अच्छा है, और ये दुनिया में चल क्या रहा है भाई। तो ये कह रहा है टॉमी ये जो कमीने दोस्त हैं यहाँ हमारा बिजनेस हड़पना चाहते थे, और मैंने गाइस मेरे बिजनेस को बचा लिया है। तो भाई साहब यहाँ केंट बात तो कर रहा है यार, तो सुनते हैं इनकी बातें, और ये कह रहा है भाई वो लांस जो था वो इनसिक्योर था, खुशगर था, खुदगर्जा, सिर्फ अपना मतलब का सोचता था, और भाई बहुत ही कमीना था। तो टॉमी कह रहा है ये छोड़ दो बातें, अब हम हमारी ज़िंदगी शुरू करते हैं शुरुआत से नई, और दुनिया को देखते हैं भाई, दुनिया बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। तो भाई साहब केंट ही एक अच्छा भाई हमारा दोस्त निकला, हमारा लॉयर निकला भाई साहब। तो भाई साहब तो चलिए गाइस GTA Vice City की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, गेम प्ले सीरीज़ मैंने ख़त्म कर दिए गाइस। तो ऐसे ही कुछ सीरीज़ हो तो गाइस मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अगर ये गेम प्ले सीरीज़ आपको अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलना,
और भाई साहब मुझे तो गाइज़ ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी लगी है। तो गाइज़ ऐसी ही सीरीज़ हो तो मुझे बताना गाइज़, और प्लीज़ गेमिंग बुल को सब्सक्राइब करना, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। तो चलिए गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले सीरीज़ में, कमेंट में ज़रूर बताना सालो। तो बाय बाय, जय हिंद जय भारत।